डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने 21 अगस्त 2016 को मणिपुर के राज्यपाल पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने मणिपुर की समस्याओं का अध्ययन किया और समाधान के लिए प्रयास शुरू किया। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला से हमने बातचीत की और उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमसे अपने अनुभव साझा किए। हालात बहुत बेहतर है, इतने बेहतर हैं कि पहले 8 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था, एक डर का माहौल था। ये इलेक्शन से पहले की बात है। 7 महीने यहाँ काम किया, लोगों से में कॉन्फिडेंस पैदा किया, राजभवन में बहुत सेमिनार्स किए, क्योंकि यहाँ समस्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में समस्या जॉब की है। मणिपुर राज्य की कुल आबादी करीब 28.5 लाख है। मणिपुर घाटी और पहाड़ी क्षेत्र में बटा है, इस कारण यहाँ भौगोलिक जटिलताएं ज्यादा हैं। यदि राजधानी इम्फाल की बात करें तो वो घाटी क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र पहाड़ी है। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सड़क मार्ग उतने विकसित नहीं हैं और वहाँ रेल पहुँचाना भी सहज नहीं है। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला का मानना है कि केंद्र सरकार का कनेक्टिविटी पर खास फोकस है और कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। जो समस्या है वो यहाँ की टोपोग्राफी की है, क्योंकि खाली इम्फाल जहाँ पर है वो वैली का एरिया है, वो सिर्फ 10% है और 80% आबादी यहाँ रहती है। 90% एरिया जो है वो पहाड़ी इलाका है, 20% आबादी वहाँ रहती है। तो जो हिल एरिया है वहाँ पर यातायात मुश्किल है, सड़कें नहीं हैं बराबर। एक ब्रिज बन रहा है, अगर वो ब्रिज रेलवे का, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, तो रेलवे उसकी वजह से जब यहाँ आ जाएगी तो मुझे लगता है उससे काफ़ी सहूलतें हो जाएंगी। हवाई जहाज की सर्विस है, मैंने यहाँ आके एक स्कीम प्रधानमंत्री के सामने पेश की फ्लाइंग डॉक्टर की, कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए हम डॉक्टर को पहाड़ी इलाकों में गांव-गांव भेज के इलाज करवा सकते हैं।